क्वेश्चन नंबर 4 यह होगा 0 to पाई बाई सिक्स इसका लिमिट दिया हुआ, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई बाई 6 है और अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। ठीक है, अब यहां का सोल्यूशन क्या होगा, यानी कि 0 to पाई बाई 6 अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। यह आपको इंटीग्रेट करना, हाउ टू सॉल्व इट और इसका सलूशन क्या होगा ये आप जरा ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर 0 to पाई बाई 6 अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x। इसी तरह से पहला वाला क्वेश्चन, इसे पहले वाले क्वेश्चन में cos 2x था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट कोई फार्मूला इसके लिए नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसमें 0 to पाई बाई 6 और अंडर रूट 1 को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो कि नहीं। 1 को cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स सेम एंगल पर है स्क्वायरिंग, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है, माइनस साइन 2x को 2 साइन एक्स cos एक्स dx ये लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 to पाई बाई 6 अंडर रूट cos x माइनस साइन x क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर dx। जरा ध्यान रखें, 0 to पाई बाई 6 अंडर रूट cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x cos x है। अब जो है स्क्वायरिंग से इसको हटाओगे 0 to पाई बाई 6 और ये क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन x dx, यानी कि 0 to पाई बाई 6 cos x माइनस साइन x dx ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये अलग अलग इंटीग्रेट कर लोगे आप। देखो, आपको जैसे आप इंडिफिनिट इंटीग्रल में करते थे, अनिश्चित समाकलन में करते थे, आपको सब कुछ उसी तरह से करना है, फाइनली आपको लिमिट पुट कर देना है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, यानी कि निश्चित समाकलन, क्योंकि इसका निश्चित एक वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखें 0 to पाई बाई 6 और यहाँ पर cos x हो गया dx माइनस 0 to पाई बाई 6 जहां पर क्या हो जाएगा साइन एक्स dx। ठीक है, तो cos x का आप इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, साइन एक्स, cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 to पाई बाई 6 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x 0 to पाई बाई 6। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए आप, माइनस माइनस यहाँ माइनस बाहर निकाल दीजिए, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जो है यह साइन एक्स ऐसे लिखिए 0 to पाई बाई 6 एक लाइन और ऐसे लिखना है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और cos एक्स 0 to पाई बाई 6। क्लियर है। अब जो है वैल्यू हम पुट कर देते हैं, साइन एक्स का साइन पाई बाई 6 माइनस साइन 0 ये हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये ऑलरेडी हो चुका है, तो cos x का क्या हो जाएगा प्लस cos x, यानी कि cos पाई बाई 6 माइनस cos 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा साइन का, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू ये होता है 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 माइनस 0 प्लस यहाँ cos पाई बाई 6 की वैल्यू √3/2 माइनस 1 ये हो जाएगा √3/2 माइनस 1। क्लियर। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट को हटा दीजिए, ठीक है। तो ब्रैकेट को जब हटाएंगे आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 0 खत्म है, प्लस अंडर 3/2 माइनस 1। देखिए यहाँ पर -1 है, +1/2 है, दोनों जब ऐड होगा यानी कि सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में, क्योंकि ये पॉजिटिव है निगेटिव है। ये √3 वाला है तो ये सब्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है, इससे मिलता जुलता नहीं है, ये जो अलग वैल्यू ही है और ये इरेशनल नंबर है, इसलिए इसको अलग रख लीजिए आप। जब 1/2 को -1 से घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा -1/2, क्योंकि 1 में से हाफ घटेगा तो हाफ ही बचेगा ना, तो और माइनस वाला साइन बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, -1/2। और यहाँ पर 2h डिनोमिनेटर होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक ही डिनोमिनेटर रखिए आप, और √3 -1, ठीक है। तो यहाँ आंसर आपका आ जाएगा √3 -1/2। यह जो है आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ से आप जो है देख सकते हो कि कितने आसानी से कितने अच्छे से ये क्वेश्चन लग गया है। आप इसको जो है नोट डाउन करो और अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अधिक से अधिक आते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सब्स्टिट्यूशन से ही है इसी में, तो हम उस क्वेश्चन को उठाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से।